सत्ता एवं जिनकी कृपा से इस गांव के बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भी भगवान नाम संकीर्तन की जो अलग जागी पूज्य श्री गुरुदेव भगवान सदगुरुदेव भगवान विराजमान है, मैं क्या ही कहूँ। लेकिन जो भी भगवान की प्रेरणा होगी, आप सभी बालक एवं बालिकाएं जो 11 दिनों से यह श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं, इसमें एक फायदे नहीं है अनेकों, और आप सभी के माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि तो पुत्रवती ज्योति जगत होई रघुपति भगत जासु सुत होई। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी ने 11 दिन तो यह श्री राम नाम संकीर्तन नित्य किया, तो सभी लोग करते रहे, लेकिन अब सभी लोग अपने घर पर प्रतिदिन एक माला अर्थात 108 राम नाम की माला अवश्य जपें। 108 राम की माला, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 108 राम 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 राम, कितने जल्दी कैसे भी मूड में हो कभी भी, वो फल देगा। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाम कैसे भी जपो, गुस्से में जपो, अच्छे से जपो, अच्छे मन से जपो, बुरे मन से जपो, अरे उल्टो सीधो उगिरे खेत पजे जो बीज। जैसे बीज खेत में डाला जाता है, अब वो उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे उसमें से पेड़ उगेगा। तो आप बिना मन के करो, अच्छे मन के करो राम नाम जाप, लेकिन वो फल आपको देगा ही देगा। सभी लोग आज ये संकल्प है, एक माला राम नाम की, 108 राम नाम के नित्य प्रति अपने घर पर चढ़े। और इससे आगे मैं क्या ही कहूँ, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान विराजमान है, उनके चरणों में ही है वाक्य पुष्पांजलि समर्पित। जय श्री राम, जय जय श्री राम।